नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको एक आर्टिस्ट पढ़ाए थे, और अब मैंने बोला था आपसे कि मैं आपको टेक्निकल आर्ट भी स्टार्ट कराने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, टेक्निकल आर्ट इजी नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं ये कहूँगी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। BFA MFA जो लोग करते हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। लेकिन अगर बात की जाए BA MA वालों को, तो फिर भी समझ में आ जाती है। लेकिन जहां पर प्राविधिक कला की बात की जाती है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीजों को समझना। अगर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगी तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। अगर मैं आपको ये टेक्निकल आर्ट सीधे सीधे समझा दूं, इसको मिलाकर ये बना और इससे ये टेक्निक बन जाती है, तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी कि मैंने क्या पढ़ाया, और आपको और भी ज्यादा मुश्किल लगेगा ये चैप्टर। और मैं ये नहीं चाहती कि आपको ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल लगे, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सी चीजें बता देना चाहती हूँ, जिसको पढ़ने से आपको टेक्निकल जो आर्ट है वो इजी लगेगी, मतलब आसान हो जाएगी आपके लिए पढ़ना उसको। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और वो है बेसिक सी चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी होंगी और शायद आप भूल गए हैं। बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, तो कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों को याद आ जाती है जैसे ही मैं पढ़ाऊंगी। तो उनकी छोटी छोटी परिभाषाएं आज आप लिखेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल चैप्टर का आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, और साथ साथ हमारे आर्टिस्ट भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण भी एक प्रकार की टेक्निक है, क्योंकि भित्ति चित्रण आपने पढ़ा है, जितने चैप्टर आपने पीछे के पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो वो सब आप पढ़ चुके हैं। भले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ आपको ये पता है कि भित्ति चित्रण होता क्या है, सबको पता नहीं है। मेरे हिसाब से सब लोग अभी भी नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, तो भित्ति चित्रण को जान लेते हैं, क्योंकि भित्ति चित्रण एक इजी टेक्निक है जो आप लोगों की समझ में आती है। समझ से परे नहीं है, समझ में आती है, क्योंकि आपने अजंता पढ़ा है, राजस्थान के भित्ति चित्र पढ़े हैं, जयपुर के भित्ति चित्र पढ़े हैं, इसीलिए आपको समझना इन चीजों को आसान है। तो मैं आसान से शुरू करती हूँ, फिर धीरे धीरे हम हार्ड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण क्या है? तो भित्ति चित्रण को देखेंगे, देखिए ये बॉल पेंटिंग कहलाती है। इंग्लिश में देखेंगे इसको बॉल पेंटिंग। बॉल पेंटिंग मतलब दीवार पे की गई पेंटिंग। ठीक, अब दीवार पे की गई पेंटिंग अगर हम इसको बहुत इजी से वर्ड में ले लें, तो क्या दीवार पर तो बहुत सारी पेंटिंग होती है, ऐसे ही आप ऑयल कलर उठाएंगे, कोई भी कलर उठाएंगे, उससे पेंटिंग करना शुरू कर देंगे, तो क्या वो भित्ति चित्रण हो जाएगा? नहीं। तो यही चीजों को समझना है जो आप मेरे साथ यहां पर समझेंगे। देखिए, भित्ति चित्रण मैंने लिखा है क्या होता है, तो देखिए इसकी दो दो प्रविधियां होती हैं। दो प्रविधियां, प्रविधियां मतलब ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, सिंपल सी, ये आपको पता भी है, जब आप अजंता पढ़ते हैं तभी इन चीजों का आपको पता चल जाता है। तो लिखेंगे कौन कौन सी, सबसे पहले देखते हैं आर्द्र भित्ति चित्रण। दो कौन कौन सी होती है, आर्द्र भित्ति, दूसरा मतलब इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। ठीक, दूसरा है आपका शुष्क भित्ति चित्रण। शुष्क भित्ति चित्रण, अब यहां से मैं सिर्फ समझा देती हूं आप लोगों को, क्योंकि मोस्टली लोगों को आपको पता है। ठीक, देखिए जो ये पहला मैंने लिखा है आर्द्र भित्ति चित्रण, तो इसमें दीवार के गीले पलस्तर पर, प्लस्टर, प्लस्टर तो आप जानते हैं, मतलब अगर मैं कहूं कि ये मेरी एक दीवार है, एक बॉल है, तो इस पर डायरेक्टली चित्र बनाना, ये हमारी बॉल पेंटिंग नहीं, बॉल पेंटिंग कहलाएगा, लेकिन जो भित्ति चित्रण है, क्योंकि देखिए इंग्लिश से मीनिंग हम क्लियरली नहीं निकाल सकते, हम कहते हैं बॉल पेंटिंग। बॉल पेंटिंग एक वो भी होती है, आप कैनवास को लाकर हैंग कर दीजिएगा बॉल पे, वो बॉल पेंटिंग हो जाएगी, उसको कहते हैं बॉल पेंटिंग, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए। तो हम यहाँ पर भित्ति चित्रण की बात कर रहे हैं, तो भित्ति चित्रण में हम सीधा सीधा बॉल पेंटिंग नहीं, क्लियर में मतलब बॉल पेंटिंग में कई मीनिंग निकल जाएंगे, तो हम भित्ति चित्रण से समझेंगे। भित्ति चित्रण क्या है, देखिएगा आर्द्र भित्ति, आर्द्र से आपको समझ में आ रहा होगा एक शब्द, कि आर्द्र का मतलब होता है कुछ नमी,
नमी, जहां पर नमी हो उसको आर्द्र कहा जाता है, ठीक है। तो आर्द्र, अब जब नमी है तो जाहिर सी बात है कि भित्ति थोड़ी सी गीली होगी। भित्ति का मतलब मैंने बताया था क्या होगा, प्लस्टर। ये दीवार है, इस पर कुछ प्लस्टर किया जाता है, ठीक है। और प्लस्टर किस प्रकार से किया जाता है, जैसे आपने भी देखा है कि इस पे चूने की परत चढ़ा दी जाएगी, गोबर और गोंद मिले गाय का गोबर, भूसी, इस तरह से मिलाकर इन सबको एक भित्ति तैयार की जाती है, ठीक। ये भित्ति तैयार की जाती है, उसका प्लास्टर बनाया जाता है, दीवार पर प्लास्टर बनाया जाता है उसका, ठीक। जब दीवार पर उसका प्लास्टर बनाया जाता है, पर इसमें द्वितीय विधि, मतलब ये दूसरी, ये फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में क्या है, ये गीली भित्ति, सीधी सीधी गीली भित्ति, इसीलिए हम इसको कहते हैं शुष्क, क्योंकि आर्द्र का मतलब नम, शुष्क का मतलब सूखा। तो एक गीली भित्ति होगी, दूसरी सूखी भित्ति होगी। मतलब यहां पर जो हम प्लास्टर लगाएंगे वो कैसा रहेगा, आर्द्र में गीला रहेगा, और शुष्क में कैसा रहेगा, जो प्लास्टर लगाएंगे हम वो सूखा रहेगा। उसको सुखाने के बाद हम चित्र बनाएंगे, और इसमें गीले पर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो भित्ति चित्रण होते हैं इसमें गीले पर बनाए जाएंगे और इसमें सूखे पे बनाए जाएंगे। आपने देखा ये जो परंपरा है ये हमें कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है हमें अजंता में, ठीक, और ये मिलती है आपको जयपुर में, ठीक। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा अगले आपके टॉपिक पर, मतलब अगली अगला आपको मुझे क्या पढ़ाना है। तो देखिए दूसरा आता है वॉश। कई बार हमें पता होता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन क्या होता है कि हम उसको एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर पाते, या हम उसको किसी को समझा नहीं पाते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे हमें पता है वॉश क्या है, लेकिन अगर वॉश हमारे सामने एक वर्ड में क्लैरिफिकेशन करके कुछ आ जाए, आपसे ऑप्शन में पूछ ले, तो शायद कभी कभी हम ऐसा हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने ये वही वॉश पढ़ा था, क्या ये वही वॉश है जिसको हम जानते हैं, ठीक, या ये वही चीज है जिसको हम जानते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम आगे देखिए पढ़ते हैं दूसरा जो हमारा हेडिंग है, फर्स्ट भित्ति चित्रण, सेकेंड है हमारा वॉश। तो वॉश क्या होता है, सबसे पहले हमें वॉश को देखना है, वॉश को पढ़ना है। तो देखिए वैसे तो इसको आपने पढ़ा होगा वॉश को बंगाल शैली में, बंगाल शैली आपने पढ़ी है, ठीक, मैंने भी पढ़ाई है, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं बंगाल शैली पढ़ने के लिए, बंगाल शैली का इंट्रो मैंने बताया है, उसमें क्लियरली आपको समझाया हुआ है। लेकिन यहां पर मैं समझा देती हूँ वॉश। वॉश आम भाषा में हम कहते हैं इसका मतलब होता है धुलना, कपड़े वॉश कर दीजिए, माउथ वॉश कर लीजिए, इस तरह से घर वॉश कर लीजिए, फर्श फ्लोर वॉश कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजों के लिए हम वॉश का यूज करते हैं, ठीक, ये वही वॉश है। धोना, इसका सीधा सीधा मीनिंग लगाएंगे धोना, ठीक है, तो धोने से मीनिंग लगाते हैं। अब चलिए आ जाते हैं, धोने से बात की जा रही है तो किसको धोना है, यहाँ पर हमें चित्रों को नहीं धोना है, चित्रों को धोने वाले तरीके से बनाना है, ठीक है, चित्रों को धोना नहीं है, चित्रों को धोने वाले तरीके से बनाना है। चित्रों को भी धोया जाता है, धोने के बाद उसको बनाया जाता है, लेकिन ये टेक्निक हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम आपको आगे समझाएंगे। अभी हमें सिर्फ क्या देखना है, वॉश को देखना है। तो देखिए चित्र तल पर रंग की पतली पतली परत लगाना, लिखेंगे चित्र तल पर रंग की पतली पतली परत लगाना। चित्रतल पर मतलब धरातल पर जहां हमें चित्र बनाना है उस पर पतली पतली रंग की परत लगाएंगे, और जब ये लगा दिया जाता है, ठीक, आपने देखा होगा कि उसमें बंगाल शैली में चित्र को जब बनाते हैं हम, लगाने के बाद सुखाने के बाद उसको डिप किया जाता है वाटर में, तो वही ये प्रक्रिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिप करते हैं, जो वॉश कहलाती है, ठीक है, और संपूर्ण चित्र पर लगाया जाता है। तो इससे संपूर्ण संपूर्ण चित्र को जब वॉश किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, वॉश कहते हैं, ठीक है, समझ आया। अब हम आ जाते हैं नीचे इसके थर्ड में, मैं आपको पढ़ाती हूं, एक आता है आपके लिए जब आप टेक्निक आर्ट पढ़ेंगे, फिक्सेटिव आपको पढ़ना है आगे, फिक्सेटिव। अब इसको क्या कहा जाता है, फिक्सेटिव होता क्या है आखिर,
फिक्सेटिव होता है, चलिए इंग्लिश में भी लिखिएगा, फिक्सेटिव। फिक्सेटिव क्या है? तो देखिए, आपने स्प्रे टेक्निक सीखी होगी, वैसे तो नाम से पता चल रहा है फिक्सेटिव मतलब फिक्स होने वाली चीज, मीनिंग आप निकाल रहे हैं, मुझे पता है आप मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताती हुई आई हूं, आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है, सभी कहते हैं, लेकिन कहाँ छिपा होता है ये मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी, मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाऊंगी, मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। अभी एच टेट का एग्जाम हुआ है और बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ है मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स का, और मैं उम्मीद करती हूँ सबसे ज्यादा मार्क्स उनके आएंगे जैसे ही आंसर की आएगी, ठीक, और जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। तो देखिए, उनको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, आपको क्वेश्चन में से आंसर निकालना है, कैसे निकालना है आपको भी सिखाएंगे, पहले अभी आप थोड़ा सा बेस सीख लीजिएगा, बेस सीखने के बाद आपको क्वेश्चन में से आंसर ढूंढना सिखाएंगे, ठीक, बहुत आसान लगेगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं फिक्सेटिव, तो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है फिक्स वाली चीज, ये फिक्स कर दी गई है मतलब परमानेंट फिक्स कर दी गई है, कोई चीज जोड़ दी गई है एक तरह से समझ लीजिएगा, मार्केट में नए नए आजकल ग्लू आते हैं, कहते हैं इसको फिक्स कर लीजिए, एड भी आते हैं, सेम वही चीज आप अपने दिमाग में सेट करिएगा, जब भी कोई हम चीज का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम उसकी इमेज सेट हो जाती है, वही चीज आपको सिर्फ आर्ट में करना है, आपको उस बर्ड में करना है, जो भी बर्ड आपके सामने आए तुरंत इमेज बन जानी चाहिए उसकी, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर समझा रही हूँ तो आपको शायद मेरी समझाई हुई बातें एग्जाम में जरूर याद रहती होंगी, वैसे ही आपको ये याद रहेगा। तो फिक्सेटिव मतलब सबसे पहले याद रखेंगे फिक्स, ठीक, फिक्स याद रखा। अब देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, चित्र बन जाने पर, चित्र बन जाने पर क्या करना है, चित्र बन जाने पर स्प्रे किया जाने वाला घोल, स्प्रे किया जाने वाला घोल, जब चित्र बन जाए उस पर स्प्रे किया जाए तो उसका जो घोल होता है तो वो देखिए किस पर छिड़का जाता है, चित्रों पर छिड़का जाता है, ठीक, जब चित्र फिक्स हो जाए आपका बन जाए उस पर जो स्प्रे के माध्यम से हम घोल को स्प्रे करते हैं उसको क्या कहलाते हैं, हम फिक्सेटिव कहलाते हैं, क्या कहलाता है वो, और इसमें जब रंग फिक्सेटिव उस पूरी प्रक्रिया को नहीं कहेंगे हम, इसमें जो रंग होते हैं जो स्थायी रंग होते हैं नहीं छूटने वाले रंग उसको हम क्या कहते हैं, फिक्सेटिव, क्योंकि फिक्सेटिव का तो मीनिंग ये होता है फिक्स हो जाए, हट नहीं हटने वाली चीज, तो ये वही है जो रंग यहाँ पर सेट हो जाते हैं स्प्रे के माध्यम से नहीं हटने वाले रंग उनको हम क्या कहेंगे, फिक्सेटिव कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी एक चीज, अब देखिए दूसरी चीज और मैं बता देती हूं, एक बहुत छोटी सी है, भित्ति चित्रण आपने पढ़ लिया, मोजाइक आर्ट, मणिकुट्टिम विधि, मणि देखिए मणिकुट्टिम विधि मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, मोजाइक आर्ट ये हमने पाश्चात्य कला में काफी पढ़ी है, ठीक, पाश्चात्य कला में ही नहीं, ये एक ऐसी आर्ट है क्योंकि जनरली इसे लोग जानते हैं, जनरली लोग जानते हैं, आर्ट में बहुत सारी चीजें लोग नहीं जानते, लेकिन मोजेक को अगर आप उनसे पूछें तो वो जानते हैं। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपने जॉब ले ली या जॉब नहीं भी ली और आप कहेंगे कि हम आर्ट से जुड़े हैं और जनरली आपसे कोई पूछ ले मोजेक आर्ट क्या होता है तो आप घूम जाएंगे, अरे हमें तो पता ही नहीं है, हमने पूरी कला पढ़ ली है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मोजेक आर्ट है क्या। तो चलिए आज हम पहले मोजेक आर्ट पढ़ लेते हैं, आखिर मोजेक आर्ट हमारी है क्या। देखिए ये क्या है, लिख लेते हैं पहले, भित्ति अथवा मैंने पढ़ाई हुई है भूमि पर, भित्ति अथवा भूमि पर, क्या है भूमि पर, रंगीन पत्थर एवं कांच के टुकड़े, रंगीन पत्थर वे कांच के टुकड़े, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, कांच के टुकड़े, रंगी, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो राइटिंग पर मत जाइए, जो मैं बोल रही हूँ बोल बोल के मैं लिखा रही हूँ उस पर जाइएगा, ठीक है।
टुकड़े द्वारा बनाए गए चित्र, ऊपर लिख देती हूं। द्वारा बनाए चित्र, समझ में आया आपको? देखिए, भित्ति, भित्ति आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया था मैंने सबसे शुरू में भित्ति, इसीलिए मैंने पढ़ाया है, भित्ति आएगा आपको बार बार। भित्ति अथवा भूमि पर, भूमि फ्लोर पर रंगीन पत्थर और कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े, रंगीन पत्थर और कांच के टुकड़े, ठीक है। अब देखिएगा, द्वारा बनाए गए चित्र, रंगीन पत्थर अथवा कांच के टुकड़ों द्वारा बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? मोजाइक आर्ट कहलाते हैं, मतलब मणिकुट्टम विधि, मोजाइक आर्ट। तो इससे हम डिजाइन भी बना सकते हैं, अभिकल्प नमूने भी बना सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है? मोजाइक आर्ट। आज का आपको वीडियो कैसा लगा मेरा, लिखकर कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ताकि आगे भी मैं वीडियो इसी पर लेके आऊं। आपको कुछ परिभाषा अगर पढ़नी है तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक आर्टिस्ट की वीडियो लेकर आऊंगी, उसके बाद मैं आपको ये परिभाषाएं लेकर आऊंगी। अगर पढ़नी है परिभाषाएं तो क्लिक करेंगे लाइक पर, ठीक, और मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।